हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आ, कुछ स्ट्रैटेजिक uh, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले डिस्कस किया था आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो प्रीवियस जो भी वीडियो है आप प्लीज़ एक बार जाके उनको जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटी टू हेल्प अचीव कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव सैट दिस यानी कि एक स्टेटमेंट है तो फ्रेंड्स इसमें कोई आ, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है हमें सिर्फ नाम बताना है कि जो स्ट्रेटिक मैनेजमेंट है वो जितने भी हमारे डिसीजनस और एक्शंस होते हैं उनको लीड करता है डेवलपमेंट के लिए और इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने में जो भी हमने अपने कॉरपोरेट के ऑबजेक्टिव डिसाइड करें हैं ऑप्शन हैं जॉन्च एंड गन शार्पलिन नन ऑफ दिस तो देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जॉन एंड ग्लिक इसने आ, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रेटजी इज एंड एज अ पैटर्न इन स्ट्रीम्स ऑफ डिसीजन एंड एक्शन अगेन ये एक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हमें बताना है क्या हैंनरी मिन्ट्सबर्ग माइकल ई पोटर या फिर शेरले पीटर्स तो ये स्टेटमेंट uh, दिया है हैनरी मिन्ट्सबर्ग ने ऑप्शन भी राइट आंसर है आपको इसको एज इट इज याद करना है फ्रेंड्स नेक्स्ट है द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ एनी फॉर्म कम्प्राइज डिसीजन सोन यानी कि जो आ, किसी भी फॉर्म जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है वो किस डिसीजन को लेकर बनती है कस्टमर मिक्स को प्रोडक्ट मिक्स को ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ मार्केट या फिर ऑल ऑफ द अप तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी की तो फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें हम कस्टमर मिक्स प्रोडक्ट मिक्स जियोग्राफिकल लिमिट जो भी है हमारी मार्केट की इन सबको हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं सॉर्ट एनालिसिस इंक्लूड्स फंक्शनल स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल स्ट्रैटजी कॉरपोरेट इस्ट्रैटेजी ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स सबसे पहले भी मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैटी के बारे में बताया हुआ है जो शॉर्ट एनालिसिस होती है उसके अंदर हम फंक्शनल देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वॉक करेगी क्या हमारे लिए बेनिफिट रहेगा बिजनेस स्ट्रैटी को देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो किस लेवल का है उसके लिए कौन सी शॉर्ट एनालिसिस में हमें कौन कौन से पॉइंट रखने होंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिट रहेंगे उसी तरह से कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी भी हमारी हेल्प करती है शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रीजन फॉर अ चेंज ऑफ अ फॉर्म फॉर्म कंसंट्रेशन स्ट्रेट फ्रॉम कंसंट्रेशन स्ट्रैटी यानी कि फ्रेंड्स अब हमें रीजन बताना है किसी फॉर्म के चेंज करने के लिए जो कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटी से रिलेटेड होता है ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस प्रेशर टू यूज़ आइडियल कैपेसिटी टैंपटेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ दी द तो इसमें ऑल ऑफ दी राइट आंसर होगा क्योंकि फ्रेंड्स जब हम किसी भी चीज़ को चेंज करने की स्ट्रेटजी देखते हैं तो वहाँ पर रीजन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस प्रेशर भी हो सकता है कैपेसिटी को लेकर या फिर डाइवर्सिफिकेशन का टैमटेशन भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक्टजमेंट प्रोसेस डेट इन्वॉल्व यानी कि स्ट्रैटिक्ट मैनेजमेंट की तरह प्रोसेस करता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है एक अकाउंटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन इंगेजिंग इन स्ट्रैटेजिक प्लान एंड देन एक्टिंग ऑन दोज प्लान या फिर कंट्रोलिंग द प्लानिंग एक्टिविटीज या फिर all of the above. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड की जाएगी जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड इंक्लूड होगा फ्रेंड्स <laughs> यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोलिंग प्लानिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वहीं अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें जो कि मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन हाँ यहाँ पर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जिसमें ये बात की जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको इंगेज करना और उस पर काम करना जो भी हमने प्लान बनाए हैं वो हमारी स्ट्रटेज मैनेजमेंट के आते हैं इसलिए यहां पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एडवांटेज ऑफ टेक ओवर अब टेक ओवर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इट क्रिएट्स मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स फ्राम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी क्या ये है नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स ईजी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इट इन्श्योर्स मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबॉव तो फ्रेंड्स ये आप इजिली समझ गए होंगे जब हम टेक ओवर करते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है हम एक एक्टिविटी को दूसरी जगह हम दूसरी एक्टिविटी से हम मोबिलिटी कर पाएँ यानी कि हमारे अगर किसी ब्रांच में या फिर कहीं भी जिस कंपनी को हमने टेक ओवर किया वहाँ पर रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं लेबर रिसोर्स ज़्यादा है हमारे यहाँ नहीं है तो हम वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं ठीक है उसी तरह से फंड की कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है टेंचिबल है इनटेंचबल अगर हम कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है तो वहाँ पर क्या हो सकता है हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और इससे क्या होगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी हमारी बढ़ जाएगी टेक ओवर करने से थर्ड क्या होगा इससे हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हम अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी है कि क्या किस तरह से वर्क हो होना चाहिए इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज कंसर्न बिन अब जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो किससे कंसर्न होती है मेकिंग डिसीजंस विद रिगार्डिंग टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन या फिर मेकिंग डिसीजंस विद रिगार्ड टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव चूजिंग स्ट्रैटी एंड इम्प्लीमेंटिंग दूजन स्ट्रैटी थर्ड uh, है मेकिंग डिसीजन विद रिगार्ड टू स्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे देखिए अगेन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात की जा रही है तो फ्रेंड्स देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जहाँ भी बात की जाएगी वहाँ पे सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे इसलिए ऑल ऑफ द हमारा अब राइट आंसर है क्योंकि देखिए यहाँ पे डिसीजन की बात की जा रही है मिशन से रिलेटेड ये भी हमारी स्ट्रेटजी का प्लान पार्ट है फिर यहाँ पर बात की जा रही है कि हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हम उनको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी से रिलेटेड होंगे हम उनको बेटर से बेटर डिसीजन ले पाएँ फिर है डिसीजनस विद रिगार्ड टू इस्टेबलिशिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए हम डिसीजनस लेंगे तो ये सारे ही हमारे हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबअब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या फिर बिजनेस प्रॉफिट गोल तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो ये यहाँ पे कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केटिंग और बिजनेस प्रॉफिट की बात की जाए तो एक पार्ट है जबकि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं क्योंकि सबका ही यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव का पे बेस्ड होती है नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटी अब जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट

फ्रेंड्स ईटीओपी e एक आ, 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 अगर हम बात करें एक किस तरह के आँगो, आँगो, मेथड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मॉनिटर करते हैं जो भी उसका रेलिवेंट एनवायरनमेंट है उसमें वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है जिस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं और उससे वो क्या करेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाएंगे यानी कि एक तरह से ओवरऑल वो ये दे देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी एनवायरनमेंट बेटर रहेगा हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है क्या चीज़ हमें अफेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वो इसमें ये भी देखते हैं कि जो भी हमारा पर्पस है उसको हम

ई इज़ अ टेक्निक फॉर अब यहाँ पे जो ई e है वो किस तरह की टेक्निक है हमें ये बताने हैं तो देखिए ये अकाउंटिंग कंट्रोल है डायग्नोसिस है प्रोडक्शन कंट्रोल है या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल है तो देखिए यहाँ पे इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायग्नोसिस जो भी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई करती है बेस्ट इन्वायरमेंट को चेक करती है अपॉर्चुनिटी इन थ्रेड को देखती है तो ये इसका मेन काम होता है डायग्नोस करना बेटर इन्वायरमेंट को डायग्नोस करना कि क्या बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है और जो भी इसके डिसीजनस हैं उस को बेटर वे में किस तरह से ले पाए कि इसके परपस पूरा हो जाए तो डायग्नोस करना इसका काम होता है इसलिए इसको डायग्नोसिक टेक्निक भी कहा जाता है नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंक्लूड अब जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर क्या-क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्ट इनोवेशन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ दीस तो देखिए यहां पे इसका राइट right आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्योंकि स्ट्रेंथ में हम प्रोडक्ट का इनोवेशन देखते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जितना इनोवेट होगा उतनी ही हमारे स्ट्रेंथन होगा वो प्रोडक्ट और हमारी कंपनी के लिए वो स्ट्रेंथन का काम करेगा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे हम अपने कस्टमर को वो भी स्ट्रेंथ का काम करेगा हमारे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे लिए स्ट्रेंथन का काम करेगा इसलिए स्ट्रेंथ्स में ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं ऑप्शन डी राइट है नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड अब जो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है जीएमसी कि जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर के द्वारा रीजनल मैनेजर के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर या फिर सुपरवाइजर्स फ्रेंड्स कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटजी जो होती है वो हाई लेवल स्ट्रेटजी होती है और आपको पता है हाई लेवल स्ट्रैटेजी के लिए हाई लेवल अथॉरिटी होनी चाहिए डिपार्टमेंट होने चाहिए उसको आ, करने के लिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ हाई लेवल डिपार्टमेंट में हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिस जर्न जिसमें हम जनरल जर्नरल मैनेजर एंड डायरेक्टर्स की बात करें जबकि ये सारे हमारे लोअर वाले लोअर और मिडिल लेवल के पर्सन हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एट द ऑपरेशनल लेवल विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज लाइक अब जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन लेने के लिए ऑपरेशनल लेवल के साथ में स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज के लिए प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग या ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे ये यह सारी चीज़ें ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ऑपरेशनल लेवल को देखते हुए स्पेसिफिक फंक्शन लेवल को देखते हुए तो वहां पे हमारे लिए प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो हुए होंगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे और भी अच्छी वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए टेक केयर बाय बाय you <music>